ये गाड़ी में बैठ के अभी ठंडा हवा खा रहे क्योंकि तो एसी चल रहा है इसमें। तो अभी हम निकले हैं, देखते क्या क्या होता है बैंगलोर में। तो चलो लेट्स गो। तो बैंगलोर में आ जा, जब पहले हम बैंगलोर में पहले तुम्हारा जो तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्री कार कल बोलाना था इसका एक अनबॉक्सिंग करेंगे बंगाली में बोलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजीता ब्लॉग। बहुत ही एक्साइटेड है आज के आमी कुमार करते ओके। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट। जैसे आप देख रहे हो हम लोगों का आफ्टरनून का फ्लाइट है, तो अभी हम लोग निकल गए मॉर्निंग में ही जल्दी जल्दी। लेकिन यहाँ पर मुंबई में बहुत ट्रैफिक रहता है तो एयरपोर्ट जाने में तो टाइम लगता है। और श्रियांश बहुत एक्साइटेड है थ्रू आउट द जर्नी, मतलब ये पग 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 करता ही रहा। चलो अभी हम पहुँच भी गए एयरपोर्ट के रस्ते में, आ गए अभी अभी कुछ ही टाइम के बाद हम लोग पहुंच भी जाएंगे। ये जो है ना, ये एक्चुअली हम लोगों का फ्लाइट था मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 से था, तो वहाँ के साइड में हम जा रहे हैं। और रास्ता जो है बहुत ही डेकोरेटिव है। श्रेयांश यहाँ पे चुपचाप ऐसा बैठा है, उसको बहुत नींद आ रहा है। ओके, सो फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट। एंड अभी सप्तशन श्रेयांश लगेज दे रहा है काउंटर में, फिर हम जाएंगे अंदर। श्रेयांश बहुत एक्साइटेड और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद अभी निकले हैं। जैसे अभी देख रहे हो श्रेयांश मतलब लगेज को ट्रॉली यहाँ से वहाँ था, फिर उसको एस्केलेटर में भी चढ़ना है, मतलब बहुत ही। लास्ट टाइम हम लोग जब मैं उसको लेके कोलकाता गई थी ना, तो मैं अकेले गई थी कभी, तो तभी उसको एयरपोर्ट का ये सब पता है। जैसे देखो अभी डांस भी कर रहा है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है। हाँ, क्योंकि एक तो उसको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखो, ये घूमते घूमते हम लोग ना थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग में बहुत मॉर्निंग निकल गए, तो कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था मैंने और सप्तशी ने, और श्रेयांश ने भी थोड़ा सा ही मिल्क पिया था। उसको रस्ते में मैंने थोड़ा सा उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बटर राइस खिला दिया, क्योंकि वो तो वैसा कुछ खाता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट का जो लाउंज है वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे देख रहे हो अच्छा ही है, स्प्रेड बहुत ही अच्छा है, सब कुछ है। ब्रेकफास्ट अभी चल रहा था तो जैसे देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन अभी इतना सारा तो नहीं खा सकते वैसे भी, तो क्योंकि अभी जर्नी जब स्टार्ट हुआ है वैकेशन का, तो अभी इतना खा लिया तो मैंने ये लिया है। और श्रेयांश वहाँ पूछ रहे हो क्या खाना है, क्या खाना है उसको, लेकिन उसको तो कुछ खाना ही नहीं है, उसको सिर्फ बैठना है। फिर मैंने पूछा कि थोड़ा सा एग योक खाओगे, तो एग योक उसने थोड़ा सा टेस्ट किया, फिर कहा कि सांभर खाएगा। जल्दी यहाँ पे लाउंज में आके, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो जल्दी आएंगे यहाँ पे बैठेंगे लाउंज में। तो अभी मेरा खाना यहाँ पे चल रहा है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या मैंने लिया। बहुत ज़्यादा खाना हो गया मेरा अभी, फिर उसके बाद मेरा हम लोगों का फ्लाइट है, हम लोग जाएंगे बैंगलोर। चलिए, तो ये मेरा फाइनल प्लेटिंग था जिसमें मैंने बहुत कुछ ही लिया जो मेरा फेवरेट है। और ये श्रेयांश का था, और ये मसाला डोसा एक्चुअली श्रेयांश नहीं सप्तशी ने खाया था थोड़ा थोड़ा, और श्रेयांश को कुछ भी खाना नहीं है ऐसा, थोड़ा सा उसने इडली टेस्ट किया बस हो गया, उसको और नहीं कुछ खाना है। उसको सिर्फ ये हाथ में कुछ कैप लिया था बॉटल का, उससे साउंड करना है। बस मैं ये सभी मस्ती कर रहा था, उसका मस्ती चल रहा था। और मैंने फिर इसको प्लेटिंग को ये मफिन वो इसने खाया था सप्तशी ने, फिर थोड़ा सा फोटो सेशन किया श्रेयांश के साथ। चलो फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि अभी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा था और श्रेयांश को लेके जाना था। तो अभी हम घूमते रहे सिर्फ एयरपोर्ट में, तो बस यही किया और कुछ नहीं। अभी फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, और श्रेयांश को तो सिर्फ वॉक 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 ही करना है, उसको बैठना नहीं है एक जगह पे। यही बात है, बेंगलुरु की हमें बस डिफरेंट टाइप है।
डिफरेंट टाइप ऑफ टी डी करे अनबॉक्सिंग तो करो रिकॉर्डिंग ही करो हबे ना अभी हाँ यहाँ पे करेंगे हम करेंगे ना डेफिनेटली करेंगे ना बैंगलोर में इतना ही है डिफरेंट टाइप ऑफ टी डी कार का बॉक्स हाँ करेंगे तो बैंगलोर में तो अनबॉक्सिंग करना है करेंगे अनबॉक्सिंग चेयर इस पे बैठ के अनबॉक्सिंग करना है हाँ एकदम ही करेंगे नहीं ये तो बेड इस के बेड में बैठ के अनबॉक्सिंग जैसे आप सुन रहे हो श्रेयांश को सिर्फ पक 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 करना है ऐसा शायद आप लोगों के साथ भी होता है ना मतलब ऐसा 5-6 जैसे बच्चों के इतना क्वेश्चन रहता है उन लोगों को इतना कुछ पूछना रहता है और श्रेयांश का भी सेम है तो अभी सबसे शंभर को बुला रहा है कि चलो अभी तो अभी हम लोग चलेंगे मतलब फ्लाइट में जा रहेंगे वहाँ गए अभी पहुँच गए हैं लेकिन मैंने सुना थोड़ा सा ड्रिंक बना नहीं बनाया जा रही है लोग आगे चले गए और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ अभी हम लोग एंट्री करेंगे कि श्रेयांश को देखो अभी देखो आप एक मिनट भी वो चुप नहीं खड़ा हो सकता है फाइनली पहुंच गए इनसाइड द प्लेन एंड अभी श्रेयांश को विंडो सीट में दे दिया मैंने जिसके बाद मैं बैठी और सप्तशिला से पीछे के विंडो का सीट था मतलब तो पीछे का सीट में बैठ गया अभी हम जा रहे हैं बेंगलोर हमारा टाइम रहेगा मुंबई से 1.5 आवर लगेगा और ये ईयर शेयर फ्लाइट है सप्तशी हम तीनों एक्चुअली जा रहे हैं कहीं ये एयर शिप का ही फूड है कम्प्लीमेंट्री फूड जो है वो दो रोल लेकिन लाउंज में हम लोगों ने इतना सारा ब्रेकफास्ट मेनू मतलब पूरा ब्रंच हो गया हम लोगों का तो अभी ये तो नहीं खा सकते यहाँ पे ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था मैश पोटैटो विद ग्रिल बेक्ड फिश एंड बेक्ड वेजीज तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था ये मैंने थोड़ा थोड़ा और सप्तशी ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया अभी हम पहुँच गए बेंगलोर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्रेयांश को यहाँ पर खुद से उतरना है देखो आप उसका हो सके तो किसी का भी हाथ मत पकड़े और अपने आप मतलब लगेज को खुद ही उसको पुश करके वो लेके जाए हम लोग पहुँच गए अभी बैंगलोर चलो अभी फाइनली पहुँच गए सारा दिन के बाद बहुत भागा दौड़ा हुआ अभी हम लोग जाएंगे होटल एंड देन देखते हैं क्या क्या होगा अकेले अकेले वाओ अरे वाह रनिंग रनिंग श्रेयांश बहुत ही एक्साइटेड है अभी मैंने यहाँ पर सप्तशी को बोला था कि वीडियो लेने के लिए अब देखो कैसा वीडियो लिया उसने फाइनली अभी हम लोग जाएंगे होटल के तरफ फर्स्ट टाइम जब मैं बेंगलोर आई तो देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे और वो भी मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ ओके चल बेंगलोर
एयरपोर्ट का भी जो डेकोरेशन है ना, आउटर डेकोरेशन, मतलब निकलते ही ऐसा लगा कि मुंबई एयरपोर्ट में ही हो, मतलब सेम सिमिलर है, लेकिन बैंगलोर एयरपोर्ट में थोड़ा सा शायद डेकोरेशन ज़्यादा है मुंबई टर्मिनल T1 से, लेकिन सिमिलर पैटर्न का ही है। और ये भी अभी हम लोग वो एयरपोर्ट के रस्ते में ही हैं, मतलब टू द होटल, होटल की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ पर बैंगलोर में रुके थे वाइट हिल में, तो वाइट हिल में कौन सा होटल है, चलो धीरे धीरे मैं बोलती हूँ कौन सा होटल में रुके थे हम लोग। अच्छा, और एक बार मैंने यहाँ पर आकर नोटिस किया कि मैं जब यहाँ पर मतलब जो रोड साइड में जा रहे थे ना, वहाँ पे मैंने जो जो देखा, मतलब बहुत सारे यहाँ पे कोकोनट ट्रीज है, और जो व्यूज़ है ना यहाँ का, पूरा सिमिलर टू वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता, कोलकाता विलेजेस जो जो है वहाँ के साइड पर, मतलब एकदम एग्जैक्ट कोलकाता नहीं लेकिन सिमिलर है। मतलब बेंगलोर में आके मुझे कोलकाता जैसा फीलिंग हो रहा था जैसे अब मैं वेस्ट बंगाल में आ गई हूँ, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम लोग, मैं और सप्तर्षि डिस्कस कर रहे थे कि हाँ यहाँ का जो नेचर है, मतलब सीनिक जो व्यू है वो एकदम सिमिलर जैसा मैं, जैसे मैंने बोला मतलब वेस्ट बंगाल के जैसा है, लेकिन मुंबई में क्या है, यहाँ पे आप आओगे तो मतलब व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे व्हील मतलब हिल्स है तो बहुत सारा पहाड़ है इस साइड में, तो एकदम व्यूज़ टोटली डिफरेंट है मुंबई का व्यू, लेकिन ये पूरा सिमिलर लग रहा था मुझे, एकदम कोलकाता के जैसा ही लग रहा था, वेस्ट बंगाल के जैसा ही लग रहा था, सिमिलर। अभी आप लोगों को कैसा लगता है, और बेंगलोर में जो जो रहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या क्या देखना चाहिए बेंगलोर जाके। वैसे भी मैं इस बार तो बहुत कुछ नहीं देख पाई, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली और जाने का मतलब ख्वाहिश है, विश है कि डेफिनेटली मैं जाऊंगी नेक्स्ट टाइम, और डेफिनेटली बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे बेंगलोर का। आशिनी ना कर्नाटक है, कर्नाटक की साइड में ऐसे पास ना, तो कर्नाटक के, कर्नाटक में कोकोनट नहीं आशी, कर्नाटक का की आशी बेंगलोर आ चार तो बोलो। तो अभी हम लोग पहुंच गए वाइट फील्ड में, और कुछ ही टायर के बाद हम लोग होटल भी पहुंच जाएंगे, लेकिन होटल में जाके इवनिंग में, मतलब अभी बज रहा है 4 बज जाएगा, तो होटल में जाके इवनिंग में फिर थोड़ा सा फ्रेश होके फिर हमने क्या क्या किया, और होटल का टूर भी हम लोगों को, आप लोगों को देखना है ना, तो उसके लिए ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट देखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।